इंदौर जिले के देपालपुर में लॉकडाउन के दौरान लोगों को आंशिक छूट दी गई है, जिसकी व्यवस्थाओं की जानकारी प्रशासनिक अधिकारी ने मीडिया से साझा की। बता दें कि देपालपुर SDM तथा तहसीलदार सहित नगर पंचायत CMO, खाद्य आपूर्ति निरीक्षक ने किराना, दवाई तथा कृषि संबंधित दुकानें देपालपुर में खोलने के आदेश दिए हैं, जिनका सुबह 8 से 11 बजे तक समय निश्चित किया गया है। बताया गया कि व्यापारियों को सुबह 8 से 11 बजे तक ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए दुकानें खोले जाने की समझाइश दी गई है। वहीं दूसरी ओर कृषकों को कृषि उत्पाद विक्रय के लिए खरीदी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जानकारी दी गई कि गेहूं उपार्जन का कार्य भी जल्द प्रारंभ किया जाएगा। देपालपुर से संदीप सैन की रिपोर्ट। हम लोगों ने मार्च महीने से ही ये व्यवस्था बना ली थी कि लोगों को उनके घर पे ही किराना सामग्री का प्रदाय हो जाए, और जो यहाँ किराना व्यापारी एसोसिएशन या मेडिकल एसोसिएशन है उनने इसमें पूरा सहयोग किया था। हम लोगों ने सभी घरों में पैम्पलेट्स बंटवाए थे, जिसमें किराना व्यापारियों तथा मेडिकल जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके मोबाइल नंबर नाम सहित हमने दिए हुए थे। लोग फोन के माध्यम से ये सामग्री क्रय कर रहे थे, लेकिन गांव से जो लोग आ रहे थे उनको कठिनाई हो रही थी। कृषकों को उनके कृषि उत्पाद विक्रय करने के उद्देश्य से हमने सौदा पत्र के माध्यम से खरीदी का कार्य प्रारंभ कर दिया है। कल वरिष्ठ स्तर से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि गेहूं के उपार्जन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाए। तो हम लोगों ने कल मीटिंग भी कर ली है, व्यवस्था किस तरीके से की जा सकती है इसके संबंध में चर्चा हो गई है। शासन स्तर से जो SMS आते हैं वो SMS किसानों को आए, इसके लिए 1-2 दिन का समय लगना संभावित है, वो व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जैसे ही शासन स्तर से हमें नोट मिलता है, हमें स्वीकृति मिलती है, हम तुरंत गेहूं उपार्जन का कार्य भी प्रारंभ कर देंगे। न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए विजिट करें camera24.in।